हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक डाउट आपका पहले ही क्लियर कर दूं, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको बहुत ही जबरदस्त सैलरी मिलती है। मेंस एग्जाम नहीं होता, केवल एक ही सिंगल एग्जाम आपका होता है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इस बार एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग के ऊपर सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है IDBI की तरफ से, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 600 है, जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 243 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 90, ST के लिए 45, EWS कैटेगरी के लिए 60 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए टोटल 162 वैकेंसीज रखी गई हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 15th ऑफ सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30th ऑफ सितंबर 2023 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफिशियली 20th ऑफ अक्टूबर 2023 को कराया जाएगा। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹1000 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटीएससी पीएस कैटेगरी के लिए ₹200 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर है, मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31st ऑफ अगस्त 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 31st ऑफ अगस्त 1998 से लेकर 31st ऑफ अगस्त 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी एसटीएससी कैटेगरी को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटीएससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है जैसे PWBD, उनको भी एज में काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से समझाने वाला हूं, पूरा पैटर्न और सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, बेसिक होगा, कर लोगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो चलिए एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ऑफिशियली 20 अक्टूबर को कराया जाएगा। ये एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का रहेगा, जिससे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 ही नंबर का ये सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, इससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के अंदर ही। चौथा सेक्शन हमारा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा, जहां पर इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएंगे और थोड़े से बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, आपका एग्जाम बायलैंग्वल मतलब हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए फिर नहीं कर गए हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका सिलेबस और एग्जाम सेंटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपनी होम स्टेट में आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है कि इंडिया के किस स्टेट से किन किन शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा। दोस्तों इंटरव्यू भी आपका बायलैंग्वल रहेगा, मतलब आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे, मतलब 100 में से अगर 50 नंबर भी आपके इंटरव्यू में आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। वहीं पर ओबीसी एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों को 45% मार्क्स लाने होंगे, मतलब 100 में से अगर 45 नंबर आप ले आते हो तो आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के सभी सालों की मार्क्सशीट होगी, 12th की मार्क्सशीट होगी या फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जा सके। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जाना होता है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, आप ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा। कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको ले जाने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होती है, यानी कि जो डिटेल्स आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम भरी है वो सारी डिटेल्स वेरीफाई की जाती है। तो ये पर्सनल इंटरव्यू है, ज्यादा घबराइएगा भी मत, आप इसे इजिली क्रैक कर लोगे। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना, तो गूगल या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा कि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का पर्सनल इंटरव्यू किस तरीके से होता है, तो सारी डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएंगी। पहले ही आप प्रिपेयर हो जाओगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, इजिली क्रैक कर लोगे। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर होगा। यह फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर और इंटरव्यू में मिले मार्क्स के बेसिस पर। एग्जाम कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। इंटरव्यू कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। दोनों मार्क्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा, टोटल कितने हो गए? 300। तो आउट ऑफ 300 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जोन वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईडीबीआई के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। एक बार बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे तब आपकी सैलरी क्या होगी, और जब आप बैंक के साथ फाइनली काम करने लग जाओगे तब आपकी सैलरी क्या होगी। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपकी इसमें एक पूरी एक साल की ट्रेनिंग होने वाली है, और ये एक साल की ट्रेनिंग तीन पार्ट में डिवाइड की गई है। ट्रेनिंग के बारे में सारी जानकारी आपको आगे दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो आपकी शुरुआत के 6 महीने की ट्रेनिंग होगी ना, तो ट्रेनिंग पर आपको ₹5,000 पर मंथ मिलेंगे। ट्रेनिंग के टाइम पर भी 6 महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 महीने की आपकी इसमें एक इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप में भी आपको 2 महीने तक हर महीने ₹15,000 मिलेंगे। 4 महीने की और बच गई, लास्ट के 4 मंथ्स आप बैंक के ऑफिस में ट्रेनिंग लोगे, जहां पर आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी ट्रेनिंग के टाइम पर। और जब आपकी फाइनल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी 12 महीनों की, एक साल की, उसके बाद आप बैंक के साथ परमानेंट काम करने लग जाओगे। आईडीबीआई में आप परमानेंट हो जाओगे, आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर ले जाओगे। तब आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी ना जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग, वो आपकी 54,000 के आसपास रहेगी या फिर उससे ज्यादा, यानी कि 54,000 आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द ट्रेनिंग विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस, यानी कि जितने भी आपके अलाउंस होते हैं वो सभी लगने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 54,000 के आसपास हो जाएगी। अब ट्रेनिंग का फंडा क्या है, ट्रेनिंग किस तरीके से होगी? देखिए, जैसे की शुरुआत में बताया, तीन पार्ट में आपकी ट्रेनिंग डिवाइड की गई है। पहले 6 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग होगी ना, वो क्लासरूम स्टडी होगी, मतलब क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 2 महीना आपकी इंटर्नशिप चलेगी आईडीबीआई बैंक के साथ। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 महीने की इंटर्नशिप में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी ट्रेनिंग के टाइम पर। उसके बाद 4 महीने तक आप ज्वाइन करोगे आईडीबीआई को, और आईडीबीआई के ऑफिस में रहकर आप काम कर रहे होंगे दूसरे एम्प्लॉय के साथ। पूरे एक साल तक आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पीजीडीबीएफ का डिप्लोमा दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो कि IDBI की तरफ से आपको मिलेगा और फाइनली आपको परमानेंट कर लिया जाएगा अगर आप IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऐसी है जिस पोस्ट के लिए PGDBF का डिप्लोमा होना जरूरी है और इसीलिए IDBI पहले आपको एक साल की ट्रेनिंग देगा और PGDBF का डिप्लोमा देगा, जिसके बाद आपको बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर परमानेंट अपॉइंटमेंट मिलती है। क्लियर वर्ड आउट? तो ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा? पोस्ट के नाम से ही पता चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि IDBI बैंक की जो ब्रांचेस हैं उसमें जो मैनेजर होता है उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, उसके जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, यानी कि आप हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करोगे। ये एक कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, आपको हमेशा कंप्यूटर बेस्ड काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह इस पोस्ट के ऊपर आपकी नहीं होगी। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी। वैसे आपको जोन वाइज जॉब लोकेशन मिलेगी, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी जोन में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी रहेगी। जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें जोन और स्टेट दे रखे हैं, जैसे कि एक अहमदाबाद जोन है IDBI का, तो इसमें हमारे कौन कौन से स्टेट आते हैं? गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, भोपाल, मध्य प्रदेश जोन, साथ ही बेंगलुरु जोन में केरला और कर्नाटक पड़ता है, बिहार जोन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, हैदराबाद जोन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मुंबई जोन में महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, नासिक, नागपुर जोन है, पुणे जोन है, भुवनेश्वर, पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ। देख लीजिएगा कौन से जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं और आप कहां से बिलोंग करते हो। तो जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जोन में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी रहेगी। तो ये इस रिक्रूटमेंट का, इस पोस्ट का बड़ा प्लस पॉइंट है कि जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? तो भाई उम्मीद कर दो मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर PDF फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हां दोस्तों, जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, वे टू सक्सेस की करंट अफेयर की जो ओवरडोज ईयरली मैगजीन है Amazon के ऊपर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर हैं डिटेल से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में मस्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।